गुरुग्राम में लगातार अपराध का जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। इसे कंट्रोल करने के लिए गुरुग्राम पुलिस मुस्तैदी से जुड़ चुकी है, जहां वो लगातार ऐसे अपराधियों को पकड़ रही है। वहीं जो चोरी की खबरें हैं वो गुरुग्राम में बढ़ती ही जा रही हैं। अक्सर गुरुग्राम में चोरी की खबरें आम हैं और इस तरह की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों को पकड़ने के लिए गुरुग्राम पुलिस किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ रही है। दरअसल मामला गुरुग्राम का ही है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं कि किस तरह से दो शातिर आरोपी वाहनों की चोरी करते हैं। अकेली खड़ी स्कूटी, बाइक, मोटरसाइकिल्स हो या फिर ऑटो रिक्शा हो, इनकी चोरी करते हैं। ऐसे ही दो शातिर आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस पकड़ पाने में कामयाबी हासिल कर चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे लेकर आ गए हैं आपके सामने गुरुग्राम की क्राइम रिपोर्ट। दरअसल मामला आता है शिवाजी थाने के पास, जब 12 तारीख को एक शिकायत, लिखित शिकायत उनके पास पहुंचती है। राजकुमार, जिसका नाम बताया जा रहा है, जिसने ये शिकायत दर्ज करवाई, वो पटना बिहार का रहने वाला है। यहाँ गुरुग्राम में वो अपना काम करता है ऑटो चालक का। उसने ये शिकायत दर्ज करवाई और उसके बाद गुरुग्राम पुलिस और पूरी गुरुग्राम क्राइम ब्रांच इसके अंदर जुट गई। वहीं स्पेशल दिशा निर्देश दिए गए हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस द्वारा, किस तरह के चोरी के वारदात पे तुरंत रोक लगवानी है और इस तरह के अपराधियों को तुरंत से तुरंत धर दबोचना है और गुरुग्राम को अपराध मुक्त बनाने के दिशा निर्देश दिए गए। वहीं एसीपी प्रीतपाल क्राइम ब्रांच के अंदर ये दिशा निर्देश फॉलो करते हुए एसएचओ अमित कुमार ने एक बड़ी बढ़त हासिल की, जहां अपने सूत्रों के हवाले से उन्होंने पता लगाया और इन दो शातिर आरोपियों को केएमपी फ्लाईओवर के नजदीक फारूक नगर से गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की, जिसके अंदर इनके पास से 5 ऑटो रिक्शा और 2 स्कूटी भी बरामद की गई है। उसके बाद इनसे पूछताछ में पता चला कि ये दोनों अकेले में खड़ी जो वाहनें होती हैं उन्हें चुराते थे, ऑटो रिक्शा को चुराते थे। उसके बाद उनमें से लगे म्यूजिक सिस्टम को निकाल कर ऑटो रिक्शा को वहीं छोड़कर चले जाते थे। ये दोनों भी खुद ऑटो रिक्शा चलाते हैं और इस तरह की चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं कम से कम 1.5 साल से, और इनके खिलाफ दर्जनों केस हैं जो अभी तक इनके खिलाफ दर्ज हो चुके हैं। वहीं पुलिस ने इनसे आगामी पूछताछ के लिए इनको रिमांड में ले लिया है। ये बड़ी बढ़त, दरअसल जब इस शिकायत के बारे में पुलिस प्रशासन को पता चला तो उन्होंने बताया कि किस तरह से इन आरोपियों को उन्होंने पकड़ पाने में ये बढ़त हासिल की है, जिसके अंदर आइए आपको दिखाते हैं कि एसीपी क्राइम ब्रांच प्रीतपाल का क्या कहना है। क्राइम यूनिट फरुख नगर ने ऑटो चोर गिरोह को काबू करने में सफलता हासिल की है। इसमें 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनके नाम आशीष व परवीन हैं, और इन्होंने लगभग 1.5 दर्जन वारदात करना इन्होंने माना है गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में ही। इनसे हमने 5 चोरीशुदा ऑटो बरामद किए हैं और 2 स्कूटी इनसे हमने बरामद की हैं। ये लगातार चोरी कर रहे थे ऑटो की और नशे के आदि थे, और ये चोरी करने के बाद उनके स्टीरियो वगैरह उतार के और उनको अलग से बेच देते थे, तो इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। आज हम इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मैंने बताया, एक का नाम आशीष है और दूसरे का नाम प्रवीण कुमार है। ये एक गुड़गांव का रहने वाला है और एक फरुखनगर इलाके का ही रहने वाला है, ताजपुर गांव का, और अब ये 37 सेक्टर पुलिस स्टेशन के इलाके में ही रह रहे थे। कब से ये इस वारदातों में जुटे थे और कितने अपराधी मामले के खिलाफ दर्ज हैं? मैंने बताया कि ये लगभग 1.5 दर्जन वारदात में शामिल हैं और ये पिछले काफ़ी टाइम से इस मामले में संलिप्त थे, और इसीलिए हमने इनको गिरफ्तार करके और ये कार्रवाई की है। लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं सर, क्या कुछ गुरुग्राम पुलिस ऐसे मामले को लेकर संज्ञान ले रही है? बिल्कुल संज्ञान ले रहे हैं, इसीलिए हमारी क्राइम टीम ने काम करते हुए इस तरह के चोर गिरोह को पकड़ा है और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। तो देखा आपने, ये थी इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपके लिए लेकर आए थे गुरुग्राम से अपराध की। इसी तरह की लेटेस्ट क्राइम अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।